हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y28E 5G डिवाइस के अंदर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होता है, जैसे आपके पास कॉल आएगा आप कॉल को रिसीव करेंगे, इसके बाद आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप किसी नंबर के अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो जब आपके पास फ़ोन आ जाता है, आप कॉल को रिसीव कर लेते हैं, फिर अपने फ़ोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, तब जाके जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वहाँ पर होता है। ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो अधूरा हो जाती है, या कभी भूल जाते हैं, या कभी आधी बात कर लेते हैं तब आपको याद आता है कि हमारे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना था, या कभी आपको ये आता है कि हमारे पास नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना था। जब नए नंबर से फ़ोन आता है तो अक्सर करके कॉल रिकॉर्डिंग भूल जाता करना, या आप जो बातों में बिजी हो जाते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग वहाँ पर ऑन करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ऐसे टाइम में आपको अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग कर लेना है। आप जिस नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे उसकी कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना तो आप सभी नए नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब भी आपके पास नए नंबर से फ़ोन आएगा या आप नए नंबर पे फ़ोन लगाएंगे, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी दोस्त यार या कोई सेव नंबर जो आपके फ़ोन में है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने फ़ोन डायलर को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने फ़ोन डायलर को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा फ़ोन डायलर है यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो जो आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे उसको ऑटोमेटिक डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको इस पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नेवर का ऑप्शन, अगर आप अपने फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो आपको नेवर का ऑप्शन को यूज करना है। अगर आप अपने फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे के तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको यूज कर लेना है। नीचे आपको मिलता है आफ्टर 7 डे, आफ्टर 14 डे, आफ्टर 30 डे, तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 30 डे यूज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब हमारे फ़ोन में 30 डे कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा और इसके बाद हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग और उसके नीचे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर्स। दोस्तों, जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है या जो आपके नए नंबर हैं, जिस जो आपके पास नए नंबर से कॉल आती है उसकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस बटन को इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है तो आपको इसको ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है और इसे इनेबल हो जाएगा। अब आपके पास नए नंबर से चाहे कॉल आए या आप नए नंबर पर कॉल लगाएंगे, आपके फ़ोन में नए नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगा। जो नंबर आप अपने फ़ोन में सेव किए हैं या जिस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव कर देंगे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दिस नंबर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सेलेक्ट नंबर, उसके आगे में छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज रिकॉर्ड करना है और ये इनेबल हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है चूज ए कॉन्टैक्ट, आपको यहाँ पे नंबर चूज करना होगा कौन से नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके फ़ोन का सेव नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे फ़ोन का जितना भी सेव नंबर है यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे हम किसी एक नंबर को ऐड करेंगे। तो जैसे इस नंबर को हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये नंबर यहाँ पे सेट हो जाता है। अब इस नंबर से हमारे पास चाहे कॉल आए चाहे हम इस नंबर पर कॉल लगाएँ, हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोन में और भी नंबर यहाँ पर सेव करके ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।